नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको नींद नहीं आने की समस्याओं को दूर करने के उपायों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आजकल के लाइफ में अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम रहती है नींद नहीं आने की, और नींद नहीं आने के कारण वो लोग बहुत ज़्यादा भी परेशान रहते हैं। बिस्तर पर जाते हैं, आँखें बंद करते हैं, फिर भी उनको बहुत देर तक नींद नहीं आती, जिस कारण से बहुत ही वो परेशान रहते हैं। क्योंकि फिर सुबह उठ के जो है कि उनको वही काम पे जाना होता है, और फिर दिन भर का काम रहता है। अब रात को जो है कि नींद नहीं आने का वो बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे वो सुबह उठेंगे और कैसे अपने काम को करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके उपायों के बारे में। तो दोस्तों, उपाय हैं। पहला उपाय है, 5 ग्राम खसखस को 200 ग्राम पानी में खूब अच्छी तरह बारीक पीसकर कपड़े से छानकर 25 ग्राम मिश्री मिलाकर प्रातःकाल नियमित रूप से कुछ दिनों तक सेवन करने से अनिद्रा रोग दूर होकर ठीक से नींद आती है। और दूसरा है, नींद कम या देर से आती है तो रात्रि में सोने से पहले पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धोकर साफ कर लेना चाहिए। फिर पैरों के तलवों में सरसों के तेल की मालिश करने से भी जो है कि गहरी नींद आती है। सिर में बादाम, रोगन या आंवला या ब्राह्मी के तेल का मालिश करना भी जो है अनिद्रा रोग में लाभदायक होता है। और तीसरा उपाय है, 1 चम्मच ताजे पुदीने की पत्तियां या आधा चम्मच सूखे पुदीने की पत्तियों का चूर्ण 200 ग्राम पानी में 2 मिनट तक उबालकर व छान कर इसे गुनगुना रहने पर ही इस पुदीने की चाय में 2 चम्मच शहद डालकर प्रतिदिन रात्रि में सोते समय पीने से गहरी व मीठी नींद आती है। ये जो प्रयोग है ये 20 से 25 दिनों तक करें। और चौथा उपाय है, सफ़ेद खसखस और तरबूज के बीजों की गिरी लेकर दोनों को अलग अलग पीस कर समान मात्रा में मिलाकर किसी शीशे में भर कर रख ले। प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करने से अनिद्रा रोग दूर होता है, नींद अच्छी आती है, रक्त का दबाव कम होता है और सिर दर्द भी ठीक होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय नींद नहीं आने की समस्या को दूर करने के बारे में। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।